गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आपके लिए मटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह बहुत ही जल्दी और टेस्टी बन जाता है और सुबह सुबह समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं, जल्दी बन जाए, बच्चे के टिफ़िन, हस्बैंड के लंच में, लंच बॉक्स में। तो इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली मटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मटर को हमेशा आप छील के हमेशा फ्रिज में रख लिया करें। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपको बनाना हो तो आप तुरंत फ्रिज से निकालें और इसका यूज करने लगें। तो चलिए बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम प्याज को काट कर रेडी कर लेते हैं। आज आपको मैं पूरा पहले से कुछ भी तैयारी नहीं की, बस आपके सामने ही सारी तैयारी करके मैं दिखाऊंगी कि बस 10 मिनट में आपका लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट कैसे तैयार होता है। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसे मैंने अभी आपके सामने छील दिया। हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया है और इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं जीरा 1/2 चम्मच, तेजपत्ता और 1 पीस हींग इसे अच्छे से हिला दें और अब इसमें प्याज को ऐड कर दें। और जब तक हमारा प्याज होता है तब तक हमें अदरक लहसुन कुछ के रेडी कर लेती हूँ। लहसुन को अदरक का सुखा लिया है जिसे मैंने छील लिया। देखिए फ्रेंड, मैंने लहसुन भी अच्छा में छील के तैयार कर लिया है। इसमें लहसुन को ला लो। देखिए हमारा प्याज हो गया है। इसमें मटर को डाल लेती हूँ। मैंने मटर पहले से छील के धो लिया था। दो मिनट के लिए भुनेंगे। और जब तक हमारा ये भुनाता है तब तक मैं अदरक लहसुन को कूटने वाले में उसे कूट लेती हूँ। मीडियम कर ले। हमारा मटन हो गया है बढ़िया। अब इसमें अदरक लहसुन इसमें डाल दे रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें गरम मसाला और नमक हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर इसे अच्छे से मिला लें। मिला के ढक ढक के 2 मिनट भून लें। जब तक हमारा 2 मिनट होता है तब तक हम एक मीडियम साइज का टमाटर ले लेंगे जिसे मैं काट लेती हूँ। टमाटर को काट लिया है और 2 हरी मिर्च इसमें काट के डाल दें। अगर आपको तीखा पसंद तो आप और
मिर्ची ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए टिफिन यूज कर रही हूँ इसलिए थोड़ा कम तीखा बनाती हूँ। लेकिन ये हो गया है दोनों, और इसमें मैं टमाटर को ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला के ढंका के 5 मिनट के लिए भून लेंगे और हमारा मसाला मटर बनके तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा मटर होता है तब तक मैं आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। बीच बीच में मटर को चला के जिससे ये कढ़ाई फटे नहीं, देखिए वह हमारा नरम हो गया है। बस 2 मिनट और इसके बाद हमारा मटर तैयार हो जाएगा। पूरी का आटा मैं आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसे थोड़ा सख्त हमें पूरी का आटा को सानना चाहिए। देखिए हमारा पूरी का आटा सन के तैयार हो गया है। देखिए हमारा पूरी का आटा सन फूट के तैयार हो गया है। जैसे में साइड रख देती हूँ ढक के। देखिए हमारा मसाला मटर बन के तैयार हो गया है और इसे मैं साइड कर देती हूँ और इधर कढ़ाई चढ़ाती हूँ पूरी को तलने के लिए। इसमें मैं तलने के लिए तेल डाल दे रही हूँ। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक मैं पूरी को बेल के तैयार कर ले रही हूँ। पूरी के छोटे छोटे लोइले इस तरह से गोल करके हल्का सा तेल में डिप कर ले। आप अलग से भी कर सकते हैं कटोरी में रख के रस गिरते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। पहले आप लोई बना के रख लिया करें, पहले छोटा छोटा लोई बना के तैयार कर लें उसके बाद ही बेलना शुरू करें। मैंने बेल के तैयार कर लिया है, हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब इसे मैं तल लेती हूँ। जब इस तरफ हो जाए तो इसे तलते आप एक बार में कर सकते हैं, चाहे एक बार में 2-3 पूरी भी तल सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से हो गया है तो मैं निकाल ले रही हूँ। इसे भी इस तरह से रख दूँ। चाकू नहीं खुले तो इसे हल्का सा पूरी को पुश करें तो ये अपने आप में खुल कर तैयार हो जाएगा। ब्रेक हो जाए तो इसे निकाल लें। इसी तरह सारा पूरी तल के तैयार कर लेंगे। मैं गैस बंद कर रही हूँ। मैंने पूरी तल के तैयार कर लिया है
और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि पूरी मटर कैसे सर्व करते हैं। फ्रेंड, हमारा मटर और पूरी बन के तैयार हो गया है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में, लंच बॉक्स में आप आराम से बच्चों को, अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज लगता है। बच्चे इसे बहुत ही पसंद करके खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।